आज हम नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? कौन से वाला? ये जीमेल, बीसीसी वगैरह, ये कल करा देंगे, आज नंबर सिस्टम करेंगे, ठीक है? और आईसीटी का एक टॉपिक है नंबर सिस्टम, जिसमें से एक या दो क्वेश्चन हर बार आता है, दो नहीं तो एक क्वेश्चन तो 100% आएगा, ठीक है? और बिल्कुल सिंपल है ये, तो इसमें जब हम नंबर सिस्टम पढ़ते हैं तो सबसे पहले जो नंबर इसमें होता है वो बाइनरी नंबर, ठीक है? बाइनरी नंबर में कौन कौन सी डिजिट आते हैं? 0 और 1, जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है, तो कंप्यूटर जो भी अंडरस्टैंड करेगा वो बाइनरी लैंग्वेज में, मतलब बाइनरी नंबर 0 और 1 की फॉर्म में करेगा। हम हेलो कहेंगे तो कंप्यूटर को वो हेलो एज इट इज नहीं जाएगा, वो कन्वर्ट होके 0 1 की फॉर्म में जाएगा, है ना? तो कंप्यूटर जो इंस्ट्रक्शन लेता है वो 0 और 1 की फॉर्म में लेता है, ठीक है? सेकंड जो है इसमें बाइनरी के बाद होता है ऑक्टल, ठीक है? ऑक्टल में होता है 0 to 7, ऑक्टल मीन्स 8। तो अगर हम 0 से काउंट करेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और जो 7, तो ये कितने डिजिट हो गए? तो ये टोटल 8 डिजिट हो गए, तो इसीलिए इसको ऑक्टल बोलते हैं। जैसे 0 से 7 नंबर में जो आएगा उसको ऑक्टल नंबर सिस्टम बोल देंगे, ठीक है? थर्ड इसमें है, बताओ क्या होगा थर्ड? डेसिमल। डेसिमल में क्या होगा? डेसिमल में होगा 0 से 9, ठीक है? तो ये 10 होंगे इसलिए इसको हम डेसिमल बोलते हैं। और लास्ट जो इसमें है एक, वो है हेक्साडेसिमल, ठीक है? हेक्साडेसिमल में होगा 0 से 9 और A to F। ए टू एफ जब हम बात करते हैं तो A, B, C, D, E और F, तो 10 तो यहाँ हो गए, ठीक है? और 6 ये हो गए, तो इसलिए 16 हो गए टोटल, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? हेक्साडेसिमल। तो ये हमारे नंबर सिस्टम है। इन्हीं क्या जो हमारा क्वेश्चन आता है वो आता है कन्वर्जन। कन्वर्जन कैसे आएगा? बाइनरी से डेसिमल में, डेसिमल से बाइनरी में, डेसिमल से ऑक्टल में, डेसिमल से हेक्साडेसिमल में, तो इस तरीके के कन्वर्जन आएंगे। कुछ कन्वर्जन नेगेटिव आएंगे, कई बार कॉम्प्लीमेंट पूछ लेते हैं, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट बताओ इसका, सेकंड कॉम्प्लीमेंट बताओ नेट में, ठीक है? लास्ट क्वेश्चन एक बार आया था पॉइंट का क्वेश्चन, जो फ्रैक्शंस में डेसिमल नंबर होगा उसका आप कैसे कन्वर्जन करेंगे। तो ये 3 या 4 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं इसमें से, उसी को हम आज करेंगे, ठीक है? फर्स्ट जो हम इसमें करेंगे, फर्स्ट करेंगे हम सबसे पहले करेंगे बाइनरी, सॉरी डेसिमल टू बाइनरी, ठीक है? जब हम डेसिमल टू बाइनरी का कन्वर्जन करेंगे तो हम कोई डेसिमल नंबर होगा, फॉर एग्जांपल हमने ले लिया 25, तो जो बेस होता है ना ये डिनोट करता है ये किस सिस्टम में है, तो ये डेसिमल में है, 10 है तो बेस, ठीक है? और हमें किस में कन्वर्ट करना है इसको? बाइनरी में, तो जिसका बेस 2 होगा, ठीक है? तो इसको दो मेथड है इसके कन्वर्जन के, एक तो एलसीएम मेथड है। जो हम एलसीएम मेथड करते हैं तो फर्स्ट मेथड से अगर हम इसको सोल्व करेंगे एलसीएम मेथड से, तो जिस तरीके से हम एलसीएम लेते हैं तो यहाँ 25 और किस में कन्वर्ट करना है हमें? बाइनरी में, तो हम इससे 2 से इसको वो करेंगे, सोल्व करेंगे। यहाँ से 2 कितना लिखूँ बताओ? 24 लिख दूँ? कितने पे जाएगा ये? हाँ 12 पे, तो रिमाइंडर कितना बचा? 1। जो रिमाइंडर बचा उसको हम यहाँ लिखते चले जाएंगे, 2 6 जा 12, रिमाइंडर कितना बचा? 0, ठीक है? फिर हम इसको फर्दर करेंगे, 2 3 जा 6, रिमाइंडर कितना बचा? 0 नहीं बचा, 2 3 जा 6 पूरा चला गया ना। फिर हम इसको अगेन करेंगे, ये कितना 1 पे जाएगा ना, तो रिमाइंडर कितना बचा? 1, ठीक है? तो इस तरीके से, तो जब हम इसको लिखते हैं तो इसको हम बॉटम टू अप लिखते हैं, है ना? तो इस तरीके से हम इसको लिखेंगे रिमाइंडर को, तो क्या आ जाएगा? 1 1 0 0 1, ठीक है? ये क्या हो गया? ये बाइनरी इक्विवेलेंट हो गया किसके? 25 के, 1 1 0
01, ये आया समझ में ये मेथड? ठीक है, एक तो तरीका ये है कि आप डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन इस तरीके से करें, ठीक है। अगर उल्टा आ जाए, अगर बाइनरी से डेसिमल आ जाए, अगर सेकंड हमारा ये आ जाए कि आपको है ना बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्जन करना है, ठीक है, एक बार इसको सीख जाओगे ना तो फिर आप कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर दोगे। एक बार मेथड देख लो कि मेथड क्या है, कि जब भी सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे तो एलसीएम लेंगे और जो रिमाइंडर बचेगा उसको साइड में लिखते चले जाएंगे लास्ट तक, और फिर हम जो ना कि बॉटम टू अप उस जो हमारा रिमाइंडर बचा उसको लिख देंगे हम लेफ्ट टू राइट, ठीक है, वो उसका बाइनरी कन्वर्जन होगा डेसिमल का, ठीक है। अगर हम बाइनरी से डेसिमल में जाएंगे तो यही ले लेते हैं हम 11001, ठीक है, ये क्या है, तो मैं यहाँ क्या लिखूँ 2, क्योंकि इसका बेस क्या है 2 बाइनरी का, और ये हमें किस में कन्वर्ट करना है 10 डेसिमल में, ठीक है। तो इसका एक मेथड होता है जब हम कन्वर्ट करते हैं तो इसको आप ध्यान से देखना, जो 2 है, जो बाइनरी होता है वो 2 raised to power में होता है ना। देखो जो बाइनरी होगा वो 2 raised to n power में होगा, जो ऑक्टल होगा 8 raised to n power में होगा, और जो हेक्साडेसिमल होगा वो 16 raised to n power में होगा। तो इस तरीके से नंबर सिस्टम होते हैं, ठीक है। जब हम इसका कन्वर्जन करेंगे जो पहली डिजिट होगी तो उसको 2 raised to n की जगह मैं सबसे पहले n या कोई होल नंबर होता है 0 से लेके इन्फिनिटी तक नंबर जाते हैं, तो मैं 2 raised to 0 इंटू ये नंबर जो फर्स्ट नंबर है, फिर ऐसे प्लस में, ठीक है। उसके बाद 2 raised to 0 के बाद क्या आ गया 1 into 0, ठीक है, फिर प्लस में फर्दर 2 raised to 2 into 0, ठीक है, फिर क्या आएगा प्लस में 2 raised to बताओ 3 into 1, 1 आ गया ना, फिर लास्ट में प्लस में 2 raised to 4 और इंटू 1 0 कैसे आएगा, ठीक है। तो ठीक है, तो इसको अब हमें सोल्व करना है, ठीक है। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो इसको सोल्व करें कितना आएगा, मैं गलत लिखूं तो बता देना, 4 कैसे आया मुझे ये बताओ, बताओ बताओ, 4 इसलिए आया ना 0 1 2 3 4, है ना। तो 2 raised to 4 जो रिस्पेक्टिव नंबर होगा वही मुझे मल्टीप्लाई करना है, 2 raised to 4 कितना होता है बताओ 16, और 16 into 1 16, प्लस में 2 raised to 3 8 into 1 8, प्लस 2 raised to 2 4 लिखूं, लेकिन ये 0 से मल्टीप्लाई है, ठीक है, तो 0 से मल्टीप्लाई है तो ये किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, ये चीज हमें ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो इसको क्या लिखूं मैं, ये आ जाएगा 0, ये भी 0 के मल्टीप्लाई में है, वो भी क्या हो जाएगा 0, जिसके मल्टीप्लीकेशन में 0 होता है चाहे वो कितना भी बड़ा नंबर हो इन्फिनिटी हो 0 होता है, और जिस भी नंबर की पावर 0 होती है तो वो 1 के इक्वल होता है, तो ये कितना हो जाएगा 1 into 1 हो जाएगा ना, ये क्या हुआ था, ये 2 into 0 हो गया था, ये क्या हुआ था 4 into 0, ठीक है, तो ये हमने इधर लिख दिया, तो ये क्या हो जाएगा 1। अब इसको ऐड करो 16 24 और 21 24 और 1 25, तो ये क्या आ गया हमारा डेसिमल इक्विवेलेंट आ गया। तो हम क्या लिख रहे थे 1 1 0 0 1 का जो बाइनरी नंबर था उसका इक्विवेलेंट क्या आ गया 25। तो इस तरीके से आपको बाइनरी से डेसिमल और डेसिमल से बाइनरी आ जाए तो क्वेश्चन कर दोगे, है ना। तो जब आपको डेसिमल से बाइनरी में जाना है तो आप एलसीएम मेथड अप्लाई करो, जब आपको बाइनरी से डेसिमल में जाना है तो आप ये लॉन्ग मेथड अप्लाई करो 2 raised to n power वाला, है ना। किससे डेसिमल से बाइनरी टू डेसिमल में क्या करेंगे, ये बाइनरी नंबर है हमें पता है बाइनरी है तो 2 raised to power से मल्टीप्लाई है इसका हर नंबर, अगर ये ऑक्टल होता तो 8 raised to power से होता, हेक्साडेसिमल होता तो 16 raised to power से होता। तो ये नंबर हमने सबसे पहले उठाया 2 raised to 0 into 1, ठीक है, ये वाला जो नंबर आया ये आया यहाँ, ठीक है, और 2 raised to फिर क्या हो गया 1 into 0 सेकंड पे,
फिर 2^2 × 0, फिर 2^3 × 0, और उसके बाद 2^4 × 1, सॉरी 1 और 1 लास्ट में जो 1 था। ठीक है, ये आया समझ में? अब हम इसको सोल्व करना है। बस 2^4 क्या होता है, 16 × 1 16, 2^3 × 8 × 1 8, 2^4 × 0, तो 0 मल्टीप्लाई आएगा तो 0 आ जाएगा, और यहाँ भी क्या आ जाएगा, 0, और ये भी क्या हो जाएगा, 1, 2^0 × 1, तो ये आ गया 25। ये मेथड आया समझ में आपको? आया आज? ठीक है, अब ये तो मेथड आ गया समझ में, लेकिन ये लॉन्ग मेथड हो गया। लेकिन आपको शॉर्ट ट्रिक मैं बताता हूँ कि अगर आपको एग्जाम में सोल्व करना हो, क्योंकि टाइम का बहुत बड़ा इशू रहता है नेट के एग्जाम में, टाइम जितना कम लगेगा किसी क्वेश्चन में उतना ही ज़्यादा टाइम हमें बाकी क्वेश्चंस के लिए बचेगा। तो हमें पता है कि ये 2^2 में है, ये जितना भी है ना, तो मैं इसको यहाँ से वो कर देता हूँ, और ये हमें पता ही चल गया, ये हमारा क्या आया, 25। ठीक है, अब आप ध्यान से सुनना, बस ये मैं एक जगह ये लिख रहा हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए। तो ठीक है, तो अब आप देखो, आपको 2 की टेबल आती है? अब बस वही, इतना ही आसान है। आप देखोगे ना, बड़े बड़े कन्वर्जन इससे ही हो जाएंगे। अब आप देखो कि 2^0 है, उसको क्या लिखेंगे हम, 1, 2^1 को 2, 2^3 को 8, ठीक है, 2^2 रह गया, सॉरी, 2^2 का क्या लिखे हुए, 4, फिर 2^3 को 8, 2^4 को, ठीक है, 2^5 को, 2^6 को 64, ठीक है, 2^7 को 120, 2^8 को, बताओ सर इससे आगे नहीं आता, मैं इतना ही करा दो, है ना, लेकिन आप मल्टीप्लाई करोगे निकाल लोगे, लेकिन हमारे काम की इतनी चीज है। अब हम देखो इससे कैसे क्वेश्चन सोल्व करते हैं, बस इतना ही याद रखना था हमें। अब आप देखो ये याद रह जाएगा, चलो इसको भूल जाओ, ये बिना याद रहे आपको, अगर आपको ये इसके ऊपर वाली चीज भी नहीं याद रहे तो आपको तो आता है ना, 2 से मल्टीप्लाई, 1 × 2 2 2 × 2 4, 4 × 8 2 16 2 32 2 64 128 then 256, तो ऐसे ही चलता है। जब भी आपने कभी मेमोरी कार्ड खरीदा होगा, ठीक है, कभी आपने देखा 3 GB का मेमोरी कार्ड खरीदा आपने, या देखो 7 GB का है, या देखो 30 GB का है, क्योंकि जितना भी डाटा स्टोर होता है ना वो इसी डिजिट में होता है। आपने देखा होगा 1 GB का मेमोरी कार्ड है, 2 का 4 का 8 का 16 का, इसी तरीके से, है ना। अभी नया जो फ़ोन लॉन्च हुआ रेडमी का, उसका 256 है, 12 GB रैम है और 256 उसकी इंटरनल मेमोरी है, ठीक है। तो जितनी मेमोरी होगी ना, हमेशा जितनी भी हम स्टोरेज लेंगे तो इसी नंबर में मिलेगी हमें, आप हमेशा, क्योंकि इसी में स्टोर होता है डाटा और इसी नंबर की वो बनाते हैं, ठीक है, ये आया समझ में। अब मुझे 25 का डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन करना है ना, बस मुझे हमें ये लिख लेनी है, हम इसको भूल जाते हैं, एलसीएम मेथड हमें नहीं आता फॉर एग्जांपल। तो 25 का भी नंबर से 25 बनाओ, 25 कैसे बनाओगे, जैसे मैक्सिमम पॉसिबल नंबर से, ठीक है, तो 2 3 3 हो गया, 3 4 7 और 8, तो एक कैसे बनेगा, एक हम 16 ले सकते हैं, एक 8 ले सकते हैं, 24, और ये 1 हो गया, ठीक है। तो जब हम कंप्यूटर की जो हमने लैंग्वेज समझी थी वो क्या थी, कंप्यूटर की जो बाइनरी थी वो किस फॉर्म में थी, 1 और 0। तो 1 को जब हम रीड करते हैं तो ऑन पढ़ते हैं कंप्यूटर के टर्म में, और 0 को हम ऑफ। जब आप हायर कंप्यूटर के मैथमेटिक्स में जाओगे, नंबर सिस्टम में, तो बहुत सारी किताबें हैं, तो ऑन ऑफ की लैंग्वेज समझते हैं। तो मैं वही प्रिंसिपल अप्लाई करूँगा, जो ये नंबर सिग्नस के कॉम्बिनेशन से 25 बना, तो जो 25 था हमारा डेसिमल में वो किस किस के कॉम्बिनेशन से बना, इनके, तो इनको तो मैं कर दूँ ऑन। ऑन का क्या मतलब है, 1 लिख दूँ मैं इनके नीचे, 1 1 1, और इनको क्या कर दूँ ऑफ, 0।
तो अब मुझे ये बताओ ये 25 का बाइनरी कन्वर्जन है या नहीं, मैच करो उससे एलसीएम मेथड से। हाँ, बाकी भूल जाओ, बस मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन देखना ना, ये आपको एलसीएम मेथड। अब आप कहोगे सर वो तो आसान था, लेकिन इसका बताओ कुछ, ये तो हम कर ही लेते, इसका और भी आसान है। अब आप देखो इसके इससे उसमें जाना आपको, ठीक है, इसके रिस्पेक्टिव लिख दो। तो यहाँ पहला नंबर क्या था, टू कैसे था, नहीं, यहाँ पहला नंबर देखो बाइनरी में क्या होता है, वन, ठीक है, यहाँ क्या होता है टू, यहाँ क्या होता है फोर, यहाँ क्या होता है एट, यहाँ क्या होता है 16। तो ये तो ऑफ हो गए, तो ये तो काउंट नहीं होंगे, है ना। अब इनका एडिशन करो तो 25। तो कोई भी बाइनरी नंबर दो मुझे, अब मैं उसका कन्वर्जन करके दिखाऊंगा आपको डेसिमल में, है ना। तो कोई भी 32 का करो, जो ऑनलाइन कनेक्टेड है वो भी 32 का कन्वर्जन करो डेसिमल से बाइनरी में, और फिर उसका बाइनरी टू डेसिमल करो। ये ट्रिक आई आपको समझ में? हाँ, तो कर सकते हैं ना, इसमें क्या है। हाँ ये भी हो सकता है, लेकिन और भी कॉम्बिनेशन देखो बन सकते हैं। ये कितना था, 24, ये 28, ये और ये 31, तो नहीं कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनता, तो 1000 आ जाएगा। आप करके देखो, एलसीएम से अलग आएगा, करके तो देखो एलसीएम से अलग कैसे आएगा, पहले ये देखना पड़ेगा 32 डेसिमल में एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो इस तरीके के नंबर आपको जो है ना कि कन्वर्ट, आप 14 का करके दिखाओ, 32 की बजाय 14 का करो। हाँ 14 का करो, जल्दी सॉल्व करो। आप 14 को डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करो, क्या आया, क्या बताया मुझे कभी, किसका बताया, 14 का ना, तो 14 का क्या होगा, अब मैं इससे देखता हूँ, 8 और 4 12 और 2, तो इसको क्या होगा, 8 4 2 1 है, तो मुझे 14 का करना है। तो ये ऑन हो गया, ये ऑन हो गया, ये ऑन हो गया, ये ऑन हो गया, तो ये मेरा क्या आ गया, 14 का जो मेरा डेसिमल नंबर था उसका बाइनरी कन्वर्जन आ गया, ठीक है। अब इससे उसमें करके देख लो। तो इसी तरीके से आपको इस मेथड पे जाना है, इसमें ये ऑफ करना है आपको, आपका एक जो है ना, वन जो है ना कि ऑफ हो गया, आपका टू ऑन है, फोर ऑन है और एट ऑन है, और इसका कॉम्बिनेशन 14। तो इसी तरीके से आप किसी भी डेसिमल को बाइनरी में और बाइनरी को डेसिमल में इस मेथड से कर सकते हो कन्वर्ट। ये आया समझ में, ठीक है, कोई डाउट किसी का है ना। तो टाइम कम है तो आप इस मेथड से चले जाओ, और आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा है तो आप एलसीएम और उस मेथड से कर सकते हो। आपके पास टाइम बच गया तो वेरीफाई, आंसर तो सेम ही आएगा, क्योंकि इसी से तो वो मेथड बना है ना, है ना। ये लॉन्ग मेथड है, ये इसका शॉर्ट मेथड है, यही बाइनरी का रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। आप और भी कोई नंबर ले सकते हो, आप चाहे तो 7 का निकाल के दिखाओ मुझे, एलसीएम मेथड से निकाल लो पहले। चलो मैं भी निकालता हूँ साथ में, अब मैं जैसे 7 का निकाल लूंगा, है ना, तो 7 का 2 3 जा 6, 1 टू, 1 जा 1 और 1, तो ये क्या होगा, डाउनवर्ड टू अपवर्ड 1 1 1, तो ये मेरा क्या हो गया, बाइनरी इक्विवेलेंट हो गया किसके, 7 के डेसिमल के, ठीक है। इसी तरीके से अगर इसमें मैं वो मेथड लगाऊंगा तो मैं कैसे जाऊंगा, 1 2 4 8 लिख लेता हूँ मैं, तो 7 का कॉम्बिनेशन ये बन रहा, मुझे इसको भी ऑन करना, इसको भी ऑन करना, इसको भी ऑन करना, ये मेरा बाइनरी इक्विवेलेंट हो गया, ठीक है। डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल, अब कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी ना, कोई भी क्वेश्चन कर दोगे, नेक्स्ट पे चले, ठीक है, ओके। अब हमारा आता है ऑक्टल टू डेसिमल टू ऑक्टल, अब हम करेंगे डेसिमल टू ऑक्टल, ठीक है। अब डेसिमल नंबर ले लो, कौन सा डेसिमल नंबर लोगे बताओ, जो जो डेसिमल का ऑक्टल होता है, कोई भी डेसिमल ले लो। ऑक्टल का आप मतलब तो समझते हो ना, जो ऑक्टल नंबर है वो 0 से 7 है, है ना। तो मैं ऑक्टल ले डेसिमल ले लेता हूँ 137, ठीक है, 137 डेसिमल टू
ऑक्टल कन्वर्जन करना है हमें। अब निकाल लो इसका, एलसीएम मेथड से निकाल लेंगे हम, ठीक है। तो एलसीएम मेथड से निकाल लेंगे तो यहाँ क्या आ गया 137। अब इसको 8 से करो डिवाइड, तो कितने में जाएगा बताओ बताओ बताओ, 8 2 जा पे चला जाएगा, 1 पे जाएगा ना, 1 पे कितने पे जाएगा बताओ। हाँ तो 8 1 जा 1, तो 5 बज गया, तो 8 7 जा 56 है ना, 17 पे गया। एलसीएम कितना बचा 1, ठीक है। फिर हम किस पे जाएंगे, 8 2 जा पे, ठीक है, 8 2 जा 16, और कितना बचा एलसीएम। हमें कैसे जाना है, बॉटम टू टॉप, तो मैं क्या लिखूंगा नंबर यहाँ 211, तो ये 211 मेरा ओक्टल हो गया। अब आप पूछोगे सर उसमें तो आपने 2 से एलसीएम लिया था, इसमें 8 से क्यों लिया, क्योंकि ये ओक्टल है ना, तो ओक्टल के नंबर का मैं किससे लूंगा, 8 से लूंगा एलसीएम, ठीक है। ऐसे ही हमारा क्या नंबर आ गया 211। अब ऐसे ही अगर जो मुझे इससे ओक्टल से उसमें जाना हो, ओक्टल से किस में जाना हो डेसिमल में, तो मैं क्या मेथड अपनाऊंगा, 8 raised to 0 into 1 प्लस में 8 raised to 1 into 1, ठीक है, प्लस में 8 raised to 2 into 2, ठीक है। तो इसका क्या होगा, 8 raised to 2 कितना होता है 64, 2 जा 128, वेरी गुड, 128 प्लस में 8 प्लस में 1, तो ये हमारा क्या आ गया 137। और यही क्या था हमारा जो हमने कन्वर्जन किया था डेसिमल में, ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया 137। तो इस तरीके से आप ओक्टल से डेसिमल से, डेसिमल से ओक्टल में, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको नहीं पता कि यार डेसिमल से ओक्टल में कैसे जाए, मुझे तो पता ही नहीं, तो आप डेसिमल से बाइनरी में जा सकते हो, है ना, आप डेसिमल से बाइनरी में जाओ पहले। अगर आपको ओक्टल में दिक्कत हो रही है तो आप 137, आपको बाइनरी का पता है ना, तो आप 137 का 2 से करो, करो करो, 26 जा 12, 28 जा 16, ठीक है, 23 जा 6, 24 जा 8, ठीक है, 217, ठीक है, 28 जा 16 1, और 24 जा 8 0, और 22 जा 4 0, और 21 जा 10, ये आ गया ना। तो हमारा नंबर क्या आया 100 1001, ये नंबर हमारा बाइनरी में आ गया। अब बाइनरी से हम ओक्टल में जाते हैं, अब ये हो गया हमारा बाइनरी। अब हम बाइनरी से अगर ओक्टल में जाएंगे तो हम क्या बनाएंगे, इसका मेथड क्या है, पेयर ऑफ थ्री, थ्री नंबर, ठीक है, पेयर ऑफ थ्री नंबर कैसे बनाएंगे, फर्स्ट थ्री देन दिस वन, ये टू है, तो हम किसी भी नंबर के राइट साइड, लेफ्ट साइड में जीरो लगाए तो कोई मीनिंग नहीं होता ना, लेफ्ट में, जैसे मैं फॉर एग्जांपल 1 है, इसके इधर जीरो लगाऊं तो उसका क्या है, मीनिंग है, लेकिन मैं इधर जीरो लगाऊं तो 1 का 1 ही रहता है, ठीक है। इसीलिए मैं इसको ओक्टल के पेयर बनाने के लिए इधर जीरो लगा दूं, लगा दूं ना, ठीक है, तो ये क्या हो गए, ये नंबर बन गए, वर्चुअली तो ये यहाँ तक था, है ना, लेकिन पेयर बनाने के लिए मैंने क्या कर दिया, इसको कर दिया। अब इसको मैं क्या करूँगा, ये कितना हो गया नंबर बताओ, ये तो 1 ही हो गया ना, 1 2 4, तो ये 0 हो गया, तो ये क्या हो गया 1, ठीक है, ये भी क्या हो गया 1, ठीक है, और ये क्या हो गया, क्या बोलते हैं इसको, ये क्या हो गया 2, ये तो 0 हो गया, 1 2 4 1 2 4, तो ये तो 0 से मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएंगे ना, ठीक है, तो ये भी 0 हो गए दोनों, तो ये क्या बचा 1, तो हमारा क्या नंबर आ गया 211। अरे बाइनरी वाला मैंने वो लगाया ना, ये बाइनरी है ना, बाइनरी में तो वही टेबल चलेगी ना मेरी, ये वाली टेबल 1 2 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 एंड सो ऑन, ठीक है। तो मैंने बाइनरी में इसमें क्या बनाने हैं, 3 3 के पेयर बनाने हैं, और 3 पेयर में ये लगा देना है,
या तो मैं इसको ऐसे भी कर सकता था ना, 2 raise to 0 into 1 प्लस में 2 raise to 1 into 0 प्लस में 2 raise to 2 into 0, ये सारा जीरो और ये क्या बच गया, 1। इसी तरीके से अगले में मैंने डायरेक्ट इससे कर दिया, नहीं आया समझ में, दोबारा समझाओ, मैं दोबारा बताता हूँ इसको। एक बार समझ गए ना फिर आप कर दोगे, है ना? वैसे एक बार ध्यान से समझ लो एक कन्वर्जन। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से सुनना अब। ठीक है, हमारा नंबर क्या आ गया, 1, सॉरी क्या आ गया, 1 0 0 0 1 0 0 1, यही है ना? चेक करो, यही है ना? हाँ यही नंबर है, ये छोटा नहीं होगा इससे। चलो कोई नहीं है, हमें दिख रहा है ना बस, ये 137 का, ये क्या आ गया, बाइनरी। ठीक है, हमें किससे जाना, बाइनरी से ऑक्टल में जाना है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं 137 का बाइनरी का ऑक्टल क्या होगा। अगर हमने इससे निकाला था, इस मेथड से, एलसीएम मेथड से डेसिमल टू ऑक्टल गए थे, तो हमने एलसीएम मेथड से 2 0 2 1 1 निकला था, है ना? फॉर एग्जांपल हमें नहीं पता कि भाई एलसीएम मेथड से इससे कैसे निकालते हैं, बाइनरी से ऑक्टल पूछ ले हमसे कन्वर्जन की, बाइनरी से ऑक्टल कैसे जाओगे आप। तो जो बाइनरी से ऑक्टल जाओगे, तो पहले जो ये नंबर है हमारा डेसिमल का, इसको हमने बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, और बाइनरी से हम ऑक्टल में जा रहे हैं, तो दोनों कन्वर्जन होंगे ना। हमने क्या किया, डेसिमल से हमने बाइनरी कन्वर्जन भी सीख लिया, और बाइनरी से हम क्या सीख रहे हैं, ऑक्टल कन्वर्जन सीख रहे हैं। ठीक है, तो बाइनरी से ऑक्टल में कैसे जाते हैं, तो हम क्या करेंगे, 3 नंबर का पेयर बनाएंगे बाइनरी नंबर का। ठीक है, तो पेयर जब मैं बनाऊंगा, तो एक पेयर क्या हो गया, ये हो गया, उसके बाद फिर क्या हो गया, ये हो गया, उसके बाद यहाँ 1 0 नहीं है, तो 1 0 मैं ऐड लगा देता हूँ, क्योंकि इसी नंबर के राइट साइड में 0 लगाने से उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। ठीक है, अब इसको सोल्व करो, जब ये नंबर दे दूं मैं बाइनरी को आपको 0 0 1, इसका आप डेसिमल कन्वर्जन करो। ठीक है, तो आप डेसिमल कन्वर्जन कैसे करते हैं, 2 raise to 0 into 1, ठीक है, प्लस में 2 raise to 1 into this 1 0, ठीक है, और 2 raise to 2 into 0, ठीक है, इतना आया समझ में, है ना? अब इसको मैं सोल्व करूँगा, ये भी 0, ये भी 0 और ये 1, तो इसके इक्वेलेंट क्या आ गया, यहाँ 1 आ गया। ठीक है, ठीक इसी तरीके से मैं इसको सोल्व करूँगा, तो ये तो सेम नंबर है ना, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, 1। जब मैं इसको सोल्व करूँगा 0 1 को, तो मैं यही लिख देता हूँ, 2 raise to 0 into 1 क्या हो गया, 0। ठीक है, 2 raise to 1 into 1 क्या हो गया, 2 2 हो गया, और ये 0 है, तो ये भी 0 हो जाएगा, तो इसका पूरे का क्या आ गया, 2, तो ये क्या नंबर बन गया, 2 1 1, तो हमारा यहाँ क्या आ गया, 211 बाइनरी से ऑक्टल में। ठीक है, डायरेक्ट हमें डेसिमल से ऑक्टल में पूछ ले, मान लिया हमें डेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट नहीं आता, तो पहले हम बाइनरी में चले जाएं, है ना? बहुत बार क्या होता है, हम रोड पे चलते हैं, तो हमें रोड नहीं मिलते, तो हम बाईपास होके गुजरते हैं ना, तो नेशनल हाईवे पकड़ लेते हैं हम, बाइनरी जो है ना कि नेशनल हाईवे है डेसिमल नंबर सिस्टम का। अब किसी भी कन्वर्जन में जाओ, पहले बाइनरी पे, और बाइनरी से फिर आप कहीं भी पहुंच जाओ, है ना? तो ये आया समझ में, हमने डेसिमल से बाइनरी सीख लिया, ठीक है, डेसिमल से हमने ओक्टल सीख लिया, हमने फिर बाइनरी से डेसिमल सीख लिया, ओक्टल से हमने डेसिमल सीख लिया, और बाइनरी से ओक्टल और ओक्टल से बाइनरी। ठीक है, अब हमारा लास्ट बचा है हेक्साडेसिमल वाला। ठीक है, अब वो सीखेंगे हम। तो थर्ड जो इसमें है, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, ठीक है, आपको समझ तो आ रहा है ना? अब डेसिमल का हमें पता है 0 to 9 डिजिट होती है, ठीक है, और हेक्साडेसिमल में हमारा 0 to 9 एंड A to F, ठीक है, ये होती है। तो हमारा अब ऐसा कोई नंबर लेंगे जो हम किससे करेंगे, हेक्साडेसिमल
डेसिमल से हेक्साडेसिमल में जाएंगे, तो मैं जो नंबर लेता हूँ, अब ले लेता हूँ मैं 20 ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल, मैंने 20 नंबर ले लिया, ठीक है। अब मुझे 20 को कन्वर्ट करना है, 20 क्या है हमारा, डेसिमल है, ठीक है। डेसिमल से हमें हेक्साडेसिमल में जाना है, तो जो बेस होता है उससे क्या लेते हैं हम, एलसीएम लेंगे। तो 20 मैंने यहाँ लिख दिया, अब मैं 16, 1 जा 16, कितना बचा, 4 बचा, है ना, रिमाइंडर। तो ये क्या हो गया, तो 14, तो ये 14 क्या आ गया, इसका हेक्साडेसिमल आ गया, ठीक है। ठीक इसी तरीके से डेसिमल से मैं हेक्साडेसिमल में चला गया, अब मुझे हेक्साडेसिमल से डेसिमल में आना हो तो मैं वही मेथड करूँगा, 16 raised to 0 into this one, ठीक है। अब इसको करो, अब इसको मैं जब सोल्व करूँगा तो ये क्या आएगा, इससे जाना है मुझे किस में, इससे जाना है मुझे किस में, डेसिमल में। तो इसको मैं क्या करूँगा, 16 raised to 0 into 4 प्लस में 16 raised to 1 into 1, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये जो नंबर हो गया 16 raised to 0, तो 1 हो गया किसी की पावर 0, इधर ध्यान दो, कॉपी में लिख लेना बाद में, ये सारा इसी में 16 raised to 0 क्या हो गया, 1 into 4 4 आ गया, ठीक है। और प्लस में 16 raised to 1 16, तो ये क्या आ गया, 16, तो ये नंबर क्या हो गया हमारा, 20। तो 20 हमारा किस में हो गया, डेसिमल में हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम डेसिमल से हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल से बताओ, हाँ वापस डेसिमल में। अगर मान लिया हमें ये मेथड नहीं आता, हमें बाइनरी बाइनरी के थ्रू जाना है, कोई बाइनरी नंबर दे दे हमें, तो पहले 20 का बाइनरी नंबर बताओ मुझे। अब की बार एलसीएम मेथड से नहीं बताना है, उस मेथड से बताना है ना, उस मेथड से हम निकाल लेंगे अब। हाँ ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा, क्या 1 0 1 0, ठीक है। आप कह रहे हो 1 0 1 0 0, यही यहाँ 1 आएगा ना, यही तो कह रहे, ठीक है ये हो गया है ना। तो इसमें क्या होगा, 1 के नीचे तो क्या करना, हमें ऑफ कर दिया, 2 भी हमने ऑफ कर दिया, 4 और 16 को ऑन रखा, क्योंकि इसका सम क्या आ रहा है, 20 आ रहा है। तो इस मेथड से हमारा क्या हो गया, जो हमारा 20 डेसिमल में है उसका बाइनरी इक्विवेलेंट आ गया 1 0 1 0 0, ठीक है, वेरी गुड, ये आ गया हमारा बाइनरी। अगर हमें इससे हेक्साडेसिमल में जाना हो तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ ट्रिक है, हम 4 नंबर का पेयर बनाएंगे, 4 डिजिट पेयर, ठीक है। ओक्टल में हम कितने का बनाते थे, 3 डिजिट का, यहाँ हम कितने डिजिट का बनाएंगे, 4 डिजिट का पेयर बनाएंगे। तो बनाऊं पेयर, तो ये कितने हो गए, 1 2 3 4, ठीक है सर, कहोगे ये तो एक ही बचा है, जब मैंने कहा था कि मैं 3 0 लगा दूँ, 1 2 3, ठीक है, इन जीरो का मेरे लिए कोई मीनिंग नहीं है, है ना। किसी के लेफ्ट साइड में जीरो लगे तो उसका कोई मीनिंग नहीं है, राइट साइड में जीरो लगे तो उसका मीनिंग है, ठीक है। अब इसको करो सोल्व इस मेथड से, बाइनरी वाले मेथड से, ठीक है। ये क्या, इसका इक्विवेलेंट क्या होता है, 1, इसका 2, यहाँ क्या होता है 4, यहाँ क्या होता है 8, इसमें फिर क्या होगा 1, यहाँ क्या होता है 2 4 8, ये भी जीरो हो जाएगा क्योंकि जीरो है, ये भी जीरो हो जाएगा क्योंकि जीरो है, ये भी जीरो हो जाएगा क्योंकि जीरो, तो यहाँ बचेगा क्या 1, ठीक है। प्लस में ये भी क्या हो जाएगा, फर्स्ट 0, ये भी, ये क्या बच जाएगा 4, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 0, तो ये क्या होगा, ये तो हमारा गलत हो गया, है ना, तो हमें दोबारा ठीक करना पड़ेगा ये, है ना। तो हमने क्या किया, 20 का बाइनरी किया, बाइनरी से हम किस में गए, हम
अरे हम टू टू का क्यों कर रहे हैं, हमें 16 का करना है यहाँ। हम हेक्साडेसिमल में जा रहे हैं ना, हम बाइनरी में जाते तो टू का करते ना, ऑक्टल में जाते 8 का करते, तो हमें 16 का करना है। तो अब हम ठीक करेंगे इसको। करो कैसे ठीक करोगे, अब आप बताओ बताओ बताओ। ये 4 आ जाएगा यहाँ, है ना। करो मुझे करके बताओ, मैं भूल गया हूँ, आप करके बताओ मुझे। करो 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 इसका, करो 20 का। सिक्सटीन का नहीं करेंगे इसमें, क्योंकि 16 का तो हमने यहाँ किया है, है ना। नहीं यहाँ के करेंगे ना 16 का, तभी तो 20 आएगा ना। तो हमने क्या करना है, इस बार बाइनरी इक्विवेलेंट का हमें हेक्साडेसिमल निकालना है, है ना। तो जब भी हम बाइनरी से किसी हेक्साडेसिमल में जाते हैं तो हम क्या करते हैं, 4 डिजिट का ग्रुप बनाते हैं। बना लिया। तो हमने जब अब हम इसको सोल्व करेंगे, 8 और 4 टू 16, और इसमें हमने 0 0 डेसिमल से हम बाइनरी गए, बाइनरी से हमने हेक्साडेसिमल जाना है, ठीक है। तो हेक्साडेसिमल से बाइनरी, बाइनरी से हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल से बाइनरी। हमने कहाँ मिस्टेक किया ये बताओ। हाँ 40 नहीं आएगा, ऐड नहीं होगा, ये जो ये ऐड कर रहे हैं ना हम, ये जो ऐड कर रहे हैं ऐड नहीं होगा, क्योंकि हम तो हेक्साडेसिमल निकाल रहे हैं ना। आप क्या देख रहे थे, आप तो डेसिमल में ही देख रहे थे, मतलब आप बाइनरी का डेसिमल ढूंढ रहे थे ना। लेकिन बाइनरी का डेसिमल तो क्या होगा, बाइनरी का डेसिमल तो 2 से निकलेगा, तब आएगा ना 20। हाँ तो 1 और 4 जो आएगा ना, हाँ 0 के मीनिंग है ना राइट साइड में का। अरे नहीं ये तो प्लस में है ना, ये मल्टीप्लाई नहीं है ना, ये सारे प्लस में होते हैं ना। तो ये 400 नहीं है, ये 1 4, ये हेक्साडेसिमल है, ठीक है। हो गया सोल, है ना। कई बार हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं करते करते, पता नहीं चलता कि कहाँ पहुँच गए हैं, ठीक है। आ गया आप समझ में, मतलब आपने डेसिमल से बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल, ठीक है। बाइनरी के बाद डेसिमल के बाद आपने ऑक्टल, डेसिमल टू ऑक्टल, ऑक्टल टू डेसिमल, इसी तरीके से हेक्साडेसिमल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल, और बाइनरी से ऑक्टल, बाइनरी से डेसिमल, बाइनरी से हेक्साडेसिमल। तो ये आपके इतने आएंगे। तो आप कर दोगे क्वेश्चन, अब गलत तो नहीं करोगे, ठीक है, वेरी गुड। अभी 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं, ठीक है। एक पॉइंट वाला करा देते हैं पहले आपको, है ना। 14 का कर दिया, तो कि कौन सा कन्वर्जन दूं बताओ। सारे आप घर से करना, मैं एक बार एक और सिखा देता हूँ, फिर बाद में लास्ट में आपको सोल्व कराऊंगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ऐसा क्वेश्चन आ जाए, कोई हेक्साडेसिमल वाला आ जाए हमारे पास, ये क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि सर का हो गया आपने तो वो करा दिया हेक्साडेसिमल का, तो ABCD तो आई नहीं अभी तक। तो ये क्वेश्चन आ जाए, इसको कैसे सोल्व करोगे बताओ, ठीक है। ये गलत लिखा है मैंने, ये नहीं 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 ये हेक्साडेसिमल है, सॉरी। और इसको कन्वर्ट करना है आपको, डेसिमल में कन्वर्ट करना है, इसको बताओ कैसे लिखोगे, बताओ बताओ। अरे हेक्साडेसिमल से डेसिमल में कन्वर्ट करना तो बताया है, 16 raised to 0 इंटू फर्स्ट नंबर, 16 raised to 1 इंटू सेकेंड नंबर, 16 raised to 3 इंटू अनदर नंबर, ठीक है करो। कितना आसान तो है ये, इसमें कैसे कन्फ्यूज हो गए। किसका, ए को 11 लिखते हैं, बताओ। ये तो बहुत बेसिक हो गया। हाँ अल्फाबेटिकली तो है, हेक्साडेसिमल में जब मैंने बताया था 0 to 9, फिर 10, 11, 12, ऐसे ABC,
एंड सो ऑन 16 तक, ठीक है। तो 2 का 2 रह गया है ना, ए को क्या लिख दिया हमने 10 मान लिया, और इसको क्या मान लिया 2, ठीक है। अब मुझे इसमें जाना है, तो मैं इसको क्या करूँगा, 16 रेज टू 0 इंटू 2 प्लस में 16 रेज टू 2 इंटू सॉरी 1 आएगा यहाँ, 1 इंटू 10 और प्लस में 16 रेज टू 2 इंटू 2। अब मुझे इसको सोल्व करके बताओ, आपका मैथ देखते हैं कितना कमज़ोर है, ठीक है। ऑनलाइन वाले बच्चों समझ में आ रहा है? वेरी गुड, ठीक है। अब इसमें करो तो 16 रेज टू जो होता है, तो 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, तो 256 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 512 आ गया यहाँ, है ना। तो ये कितना हो गया 512 प्लस में ये कितना हो गया 160 हो गया ना, प्लस में ये कितना हो गया 2। अब इसका आप टोटल करो कितना आएगा, सर बच्चों की तरह करा दो जैसे हमने छोटी क्लासेज में किया था ना, ऐसे नहीं होता। 474 तो ये क्या आ गया हमारा 674 का, ठीक है। तो ऐसे आगे आप कर दोगे, अब ए आए बी आए सी आए डी आए ई आए एफ आए, उसकी जगह आपको वो नंबर कंसीडर कर लेना है, ठीक है, और उसी तरीके से आपको ये सोल्व कर देना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं, एक ये टाइप था। अब बचा आपका एक, मैं पॉइंट वाला करा देता हूँ, है ना, पॉइंट का। अगर फ्रैक्शंस में आ जाए तो कोई नंबर, तो लिखो आप एक डेसिमल फ्रैक्शन का क्वेश्चन करते हैं 14.125, है ना। आप है ना एक एक टाइप लिख लेना इसका, उससे आपको है ना करने में आसान नहीं होगी, फिर आप कन्फ्यूज नहीं होगे इसमें, है ना। तो इससे ज़्यादा बार क्वेश्चन नहीं आएगा। तो क्या है 14.125, ये मान लिया हमारा डेसिमल है, हमें इससे जाना है बाइनरी में, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप इसमें क्या करना है, हमें 14 को सेपरेट कर लेना है, ठीक है। हम जाएंगे 14 डेसिमल से पहले बाइनरी में, उसके बाद जो ये नंबर है कितना आ गया 0.125, ठीक है, इसको हम अलग से सोल्व करेंगे, ठीक है। अब मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, आपको ऐसे नहीं लिखना है। तो जब 14 का करेंगे तो 14 का मुझे करके बताओ जल्दी कितना हो गया 14 का हम कैसे करेंगे 1 2 4 8, ठीक है, 1 1 1 0। तो ये क्या आ गया हमारा 14 का आ गया। तो 14 का मैं लिख दूं यहाँ 1 1 1 0, ये बाइनरी। अब 0.25 का कैसे निकालते हैं ये आप ध्यान से सुनना। अब आप करो तो 0.125 हमें कन्वर्ट किस में करना है, बाइनरी में। तो मैं मल्टीप्लाई कितने से करूँगा इसको 2 से, तो ये क्या आ गया 0.500 लिख दूँ, क्या लिखूँ फिर बताओ बताओ 2। अरे 250, वेरी गुड। अब यहाँ लाइन लगा दो, अब ये जो रिमाइंडर बचा ना ये इधर लिखते चले जाओ, ठीक है। अब ये टर्म उठाओ 0.250 इंटू 2, तो ये कितना होगा 0.500, यहाँ कितना रिमाइंडर बचा 0। अब क्या उठाओ 0.500 2, तो ये क्या आ गया 1.00। तो आप पूछोगे सर कब तक हमें मल्टीप्लाई करना, जब तक यहाँ 1 ना जाए, ठीक है। तो हमारे रिमाइंडर क्या बचा 1। तो एलसीएम मेथड में हम क्या करते थे, बॉटम टू टॉप, इसमें हमें क्या करना है टॉप टू बॉटम आना है, ठीक है, इस तरीके से। तो अगर मैं देखो अब इसका क्या आंसर आ जाएगा, ये क्या हो गया 0.01 हो गया, है ना, 0.001। तो इसका आंसर हो जाएगा ये हो गया 1110.001, ये 14.125 का हो गया।
है ना, 14 का हमें नॉर्मल निकालना है, और नॉर्मल निकालने के बाद ठीक है 14.05 का 14 का अलग से निकाल लेना है बाइनरी से, ठीक है। उसके बाद 0. का जो फ्रैक्शंस के इस राइट हैंड साइड हो उसको 0. लिख के 2 से मल्टीप्लाई करते जाओ जब तक 1 आंसर ना आ जाए, और उसको टॉप टू बॉटम आप लिख दो। ये आपको फ्रैक्शन का भी आ गया, ठीक है। अब आपसे कोई पूछे आपको नेगेटिव नंबर का निकालना है, तो नेगेटिव का कैसे निकाल लोगे, निकाल लो नेगेटिव का भी, है ना। नेगेटिव का भी कई बार क्वेश्चन आया है ना। तो जब आप नेगेटिव का निकाल लोगे, नेगेटिव के लिए मान लिया फॉर एग्जांपल है -7, -7 डेसिमल से आपको बाइनरी में जाना है, ठीक है। अब कैसे जाओगे, फर्स्ट यू हैव नीड टू कैलकुलेट फॉर +7। तो सबसे पहले क्या करो, इसको फर्स्ट स्टेप में +7 का निकाल लो डेसिमल से बाइनरी, ठीक है। +7 का क्या आएगा, 1, 2, 4। ये मेथड आसान है ना, आप ऐसे लिख लो, ये आ गया 1, 1, 1, ठीक है। तो 1, 1, 1 ये क्या आ गया आपका +7 का। तो जब नेगेटिव बाइनरी का, नेगेटिव डेसिमल नंबर का वो पूछेगा, तो वो बताएगा कितने बिट में आंसर चाहिए मुझे, है ना। तो ऑप्शन में होंगे, ऑप्शन में ये नहीं आंसर मिलेगा, हो सकता ऑप्शन में ये आंसर हो 0, 0, 1, 1, 1, हो सकता 1, 1, 0, 0, 0, 0, तो इस तरीके से हो सकता और भी बिट हो, तो बिट पूछेगा। तो फॉर एग्जाम्पल हम इसमें ले लेते हैं कि 5 बिट में आंसर चाहिए हमें, बिट तो समझते हो ना, जो मैंने समझाया था डिजिट वाला कल, कि 5 डिजिट का मतलब 1, 2, 3, 4 और 5, 5 बिट में चाहिए। तो मैं इसको 5 बिट बनाऊंगा, तो ऐसे बना सकता हूँ ना 1, 1, 1, तो 0 इस साइड लगाऊं या उस साइड, उस साइड में 0 लगा दूंगा, तो ये क्या आ गया हमारा 5 बिट का, ठीक है। लेकिन ये नेगेटिव का नहीं है, ये क्या अभी तक +7 का। जब हमें नेगेटिव का कन्वर्ट करना है तो हम क्या करते हैं, जो लेफ्ट मोस्ट डिजिट है उसको 1 कर दो। मोस्टली जो नेगेटिव नंबर होते हैं उनका जो बाइनरी होता है वो लेफ्ट साइड में 1 होता है उनके। तो मुझे क्या करना है, इसमें इसको 1, 0, 1, 1, 1, ये हमारा किसका बाइनरी हो गया, -7 के डेसिमल का बाइनरी इक्विवेलेंट हो गया। आया समझ में, माइनस तो ऐसे है ना, +7 का निकाल दिया, ये हमारा बाइनरी हो गया था +7 का। तो जो लेफ्ट हैंड में 0 होते हैं ना उसको 1 बना दो, जितने भी नेगेटिव नंबर होते हैं ना उनका जो फर्स्ट लेफ्ट हैंड वाला वो 1 होगा भाई, 0 और 1 ही हो सकते हैं ना। तो 1 जो नेगेटिव नंबर होते हैं उनका लेफ्ट साइड में 1 होता है, 0 लगाने की जरूरत ही नहीं। लेकिन जनरली पूछेंगे नहीं 3 बिट का, वो 4 बिट में पूछेंगे या आपको 5 बिट में या 8 बिट में पूछेंगे, तभी तो उसकी सेंस बनेगी, नहीं तो +7 का हो जाएगा। आप डिफ्रेंशिएट करोगे +7 और -7 में, तो वो अलग स्पेस होता है ना, +7 का कंप्यूटर का अलग स्पेस है, उसका कोडिंग, -7 का अलग है। तो जब भी माइनस में पूछेगा तो वो आपको बिट पूछेगा हमेशा आपका। अगर मुझे इसको 8 बिट में देना होता ये तो क्या हो गया 5 बिट का हो गया, है ना। अगर वो मुझसे पूछ लेता 8 बिट में आंसर दो इसका, कई बार पूछता भी नहीं, ऑप्शन में 8 ही बिट दे देते, आप तो कहेंगे हमने, हमारे तो 111 आया और नीचे 8 डिजिट है, वो कैसे फाइंड करे। तो इसमें आप करते 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये माइनस का निकालता तो 1, 0, 0, 1, 1 एंड 1, ये क्या आ गया, इसका तो 1 बना दिया ना मैंने, हाँ। तो ये हमारा 8 डिजिट में हो जाता, 8 बिट में हो जाता, सॉरी। तो इस तरीके से हम अलग अलग बिट में आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। ये आया समझ में, ठीक है। अब हम एक और बचा वो और कर लेते हैं कि हमारे पास कोई ऐसे नंबर आ जाए, कई बार कॉम्प्लीमेंट पूछ लेते हैं, किसी का फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट बताओ, किसी का सेकंड कॉम्प्लीमेंट बताओ, ठीक है। किसमें, हाँ बेसिकली डेसिमल, जितने भी कन्वर्जन आएंगे ना उसमें मोर देन 90% डेसिमल टू बाइनरी के आएंगे, कुछ 1% आएगा डेसिमल टू ऑक्टल, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल आ जाएगा, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, इस तरीके से। यहाँ अभी तक कोई इस तरीके का क्वेश्चन नहीं आया कि आपका डेसिमल से जो है ना कि हेक्साडेसिमल में पूछ लिया नेगेटिव का। अगर उसको भी करना चाहो तो वो भी आपका हो जाएगा, जहाँ हमने 2 लगाया, हाँ तो वो अभी तक नहीं आया कोई भी क्वेश्चन, है ना। वो हो सकता है कंप्यूटर साइंस के बच्चे सोल्व करते हो, लेकिन अभी तक नहीं आया इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है कि नेक्स्ट इसमें हम क्या करेंगे,
अगर हमें कॉम्प्लीमेंट पूछ ले निकालना है ना क्वेश्चन में कि किसी भी नंबर का कॉम्प्लीमेंट निकाल लो। फॉर एग्जांपल हमने स्टार्टिंग में क्या किया था, 14 ले लेते हैं हम कोई भी नंबर, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट होता है किसी का नेगेटिव, जैसे 1 का कॉम्प्लीमेंट हो गया 0 और 0 का कॉम्प्लीमेंट होता है 1, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें 2 कॉम्प्लीमेंट निकलते हैं, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट किसी का और सेकंड कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। यहाँ तक ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो मैं कोई भी वो ले लेता हूँ, यहाँ 14 ले लिया मैंने जैसे, ठीक है। 14 डेसिमल से मैं बाइनरी में गया, ठीक है। 14 डेसिमल से बाइनरी में गया तो क्या आएगा 14 का, मैं लिख के देखूँ 1 2 4 8, ठीक है। ये आ गया, ये ऑन करने हैं मुझे और ये ऑफ करना है। तो ये मेरा क्या आ गया 1 1 1 0, ये मेरा क्या आ गया 14 का बाइनरी आ गया, ठीक है। अब मुझे इसका फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो फर्स्ट जब कॉम्प्लीमेंट हम निकालते हैं किसी नंबर का, तो फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट में हम क्या करेंगे 1 1 1 0, इसको हम सारे के सारे नंबर क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं 0 0 0 1। तो ये इसका क्या हो गया, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है। आया आपको समझ में, ऑनलाइन वाले बच्चों आया? ये हो गया फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और इसी का सेकंड कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो हम निकालते हैं 0 0 0 1 है, तो इसमें 1 ऐड कर दो, तो 1 और 1 11 होता है इसमें, ठीक है। 1 और 1 एक तरीके से 10 होता है, तो इसको हम लिखते हैं तो 0 1 0 0, ठीक है। तो इस तरीके से कई बार निकलता है, लेकिन हम एक दूसरे मेथड से करेंगे इसको सॉल्व, ठीक है। जो ट्रिक है स्मॉल ट्रिक है, तो कोई भी नंबर है उसका अगर हमें डायरेक्ट बाइनरी निकालना हो। अच्छा इससे पहले मुझे एक नंबर का निकाल के दिखाओ आप, मैं आपको नंबर दूंगा, नंबर लिखो 1 1 0 0 1 0, ठीक है। इसका आप मुझे फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकाल लो पहले, तो क्या आ गया 0 1 1 0 1। तो ये मेरा क्या आ गया, इसका फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट आ गया, ठीक है। इसका क्या आ गया, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब मुझे इसका सेकंड निकालना हो तो मैं इसमें क्या करूंगा, प्लस 1, तो 1 और 1 0, मतलब 10 होता, 1 का 1 आ जाएगा यहाँ, तो ये क्या 1 1 0, तो ये क्या आ गया मेरा सेकंड कॉम्प्लीमेंट। कि सर कहो गए तो मुश्किल मेथड है, कोई आसान मेथड बता दो हमें जिससे मेरा डायरेक्ट। हाँ सेकंड का ही बताएंगे, सेकंड का मेथड ट्रिक बताते हैं आपको, जिसका आपको सेकंड कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ठीक है। इस नंबर को ले आओ यहाँ आप, ठीक है। अब हम इसका ऑपरेशन करते हैं। अब इसमें क्या करना है कि जो राइट साइड से, चलो आप राइट साइड से जब जहां तक 1 आए आपका उसको एज इट इज लिख दो 0 1, उसके बाद जितने नंबर है उनको बदल दो, 0 तो 1 कर दो 1 1 0, ये आपका डायरेक्ट सेकंड कॉम्प्लीमेंट आ गया, ठीक है। किसी भी नंबर का सेकंड कॉम्प्लीमेंट आपको इसका निकालना है सेकंड कॉम्प्लीमेंट, तो जहां तक 1 आए 0 1 और बाकी नंबर को 0 0, ये इसका सेकंड कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन इस तरीके से आएगा पेपर में कि आपको फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट और सेकंड कॉम्प्लीमेंट निकालना। तो अब की बार एक क्वेश्चन आया था कि -15 का आपको सेकंड कॉम्प्लीमेंट बाइनरी में निकालना। अब ये क्वेश्चन निकालो, ये आया समझ में? हाँ ये आया समझ में। अब आप एक क्वेश्चन करो कि -15 का निकाल लो, -15 का, सॉरी, तो आपको क्या निकालना है, -15 का आपको 15 दिया हुआ है डेसिमल में और इसका बाइनरी में सेकंड कॉम्प्लीमेंट निकाल लो, ठीक है। अभी निकाल लो, तो पहले क्या करोगे, -15 का 15 का बाइनरी निकाल लोगे, ठीक है। तो 15 का क्या आएगा, 15 डेसिमल का अगर जो मैं बाइनरी इक्विवेलेंट लिखूंगा तो क्या आएगा 1 2 3 4 8, ठीक है। तो
तो क्या आएगा बताओ? 4 1 और उसके बाद हाँ यही तो मैं देख रहा था। ठीक है आ क्यों नहीं रहा? तो 1 2 4 8 4 टाइम 1 आ गया और इसको 4 टाइम 1 लिख दो। ये हमारा क्या आ गया 15 का। लेकिन मैंने बता दिया जब भी वो आएगा तो उसमें बीट पूछेंगे कितनी, तो हमें 8 में निकाल लो इसको, जो सेकंड कॉम्प्लीमेंट है इसको 8 बिट में सोल्व करो। ठीक है 8 बिट निकाल लो, अब इसकी निकाल लोगे? ठीक है नेगेटिव। अब ये आ गया, अब इसको क्या लिखो पहले 8 बिट में लिखो 1 1 1 1 1 2 3 4, तो ये हमारा 8 बिट में हो गया 15 का। ठीक है अब हमें माइनस 15 का निकालना है। ठीक है तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट मोस्ट जीरो को यही गलती करेंगे हम इस क्वेश्चन में, ऐसा ही नहीं करना हमें। सुनो तो पहले हम इसको सेकंड कॉम्प्लीमेंट बनाएंगे ना, तब हमें नेगेटिव में, तो इसका सेकंड कॉम्प्लीमेंट निकाल लो अब। किसका सीधा सेकंड निकाल दो ना, हाँ फिर नेगेटिव में बदलो। अगर आपने पहले नेगेटिव कन्वर्ट कर दिया तो माइनस 15 का नेगेटिव बाइनरी हो जाएगा, सेकंड कॉम्प्लीमेंट का बाइनरी नंबर नहीं होगा ये, तो इसमें निकाल लो। ये क्या होगा तो 1 तक तो क्या लिखेंगे हम सेम, उसके बाद 0 0 0 1 1 1 1। ठीक है तो ये नंबर आ गया, ये बाइनरी आ गया। अब मुझे बताओ कि ये नेगेटिव का बाइनरी हुआ या नहीं हुआ। मैंने एक ट्रिक बताई, एक रूल बताया था कि क्या रूल होता है किसी के नेगेटिव बाइनरी को चेक करने के, बताओ कैसे है नेगेटिव का, कैसे पता चला? जो फर्स्ट डिजिट है इसकी लेफ्ट मोस्ट डिजिट है वो हमारी क्या है, वो 1 है, तो इसलिए ऑटोमेटिकली माइनस 15 का सेकंड कॉम्प्लीमेंट का बाइनरी नंबर है। ठीक है अगर यहाँ 0 होता तो हम उसको 1 कर देते। ठीक है इस तरीके से आपने जो है कि फ्रैक्शन का भी निकालना सीख लिया और नेगेटिव नंबर का भी निकालना सीख लिया। ठीक है अब आपको असाइनमेंट देता हूँ मैं, आप नहीं आया समझ में, ये किसी को नहीं आया तो बताओ। जब आपको सेकंड कॉम्प्लीमेंट का निकालने के लिए दिया जाए, आपने फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकालना सीख लिया, सेकंड निकालना सीख लिया, बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करना सीख लिया और डेसिमल को बाइनरी में, और सेकंड कितने बिट में दिया वो आप क्वेश्चन कर दो। अब मुझे लगता कि कोई क्वेश्चन छूटता है नंबर सिस्टम में, तो ये सारे मेथड थे जो हमने नंबर सिस्टम के किए थे, है ना? तो इस तरीके से आपको जो है ना कि कौन सी 2 डिजिट सेकंड, ये मैंने सेकंड कॉम्प्लीमेंट निकाला। सेकंड कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं सेकंड कॉम्प्लीमेंट? नहीं नहीं आप राइट साइड से चलो, जो जहाँ तक 1 आए तो इसमें स्टार्टिंग में ही क्या आ गया, तो 1 आ गया, तो यहाँ तक मैं एज इट इज लिखूं। मेरी बात सुनो कि मैंने ये कहा था कि रूल ये है कि आप राइट साइड से चलो, जहाँ पहले 1 आए तो वहाँ तक आप एज इट इज लिख दो, तो पहला ये 1 है तो उसके बाद चेंज करूँगा, तो इस 1 को मैं 0 लिखूँगा, इस 1 को भी 0, इसको भी 0, इस 0 को मैं 1 1 1, और फिर मैं क्या लिखूँगा इसको, इसको क्या लिखूँगा, ये लिखूँगा, यही लिखूँगा ना, तो यही तो नंबर हो गया सेकंड कॉम्प्लीमेंट, और इसका लेफ्ट नंबर लेफ्ट मोस्ट डिजिट 1 है, तो ये ऑटोमेटिकली नेगेटिव का बाइनरी है। ठीक है ये आया समझ में? तो ये हमारा आज का पूरा नंबर सिस्टम था। ठीक है इसकी आप घर जाके प्रैक्टिस करना। ठीक है फ्रैक्शन का मैं दोबारा से बता देता हूँ, फ्रैक्शन का ये रहा फ्रैक्शन का। ठीक है जैसे 14.125 का निकाला हमने, ठीक है ये नंबर हो गया, तो हमें सबसे पहला स्टेप करना है कि जो पॉइंट से लेफ्ट साइड में उसका निकाल लेना है बाइनरी। तो 14 का हमने निकाल लिया नॉर्मल तरीके से, ये 14 का जब हम निकालेंगे डायरेक्ट ट्रिक से तो 14 होगा 8 4 12 और 2 14,
और इसको हम क्या कर देंगे, ऑफ कर देंगे। मतलब जो नंबर हमारा राइट साइड में काम का नहीं है उसको हमें ऑफ कर देना है, जिसके कॉम्बिनेशन से नहीं बनता। ठीक है, तो यही नंबर आया 110। ठीक है, उसके बाद हम जो है ना कि 0.125 का निकाल लेंगे। तो 0.125 का जब बाइनरी में कन्वर्जन है तो मैं क्या करूँगा, 0.125 लिख सकता हूँ इसको। मतलब कोई गलती नहीं की ना, जीरो लगा सकते हैं ना पॉइंट से पहले। आप लेफ्ट साइड में कितने भी जीरो लगा दो, है ना, आपकी है, भर भर के जीरो भी लगा सकते हो। तो 0.125 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो जब 0.125 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 250 आएगा 0.। ठीक है, तो मुझे क्या करना है कि जो हमारा ये रिमाइंडर बचे इस साइड में डिजिट से लेफ्ट साइड में, उसको यहाँ लिख लेना है इस तरीके से। तो इसमें कितना आया, इसमें जो आया जीरो आया, तो मैंने जीरो को यहाँ लिख दिया। फिर मैंने ये नंबर उठाया 0.250 को, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 0.500 आया। तो फिर मैंने इस जीरो को यहाँ लिख दिया इसकी तरह। उसके बाद फिर मैंने जीरो जो 0.500 है इसको मैंने फिर 2 से मल्टीप्लाई किया तो फिर क्या आ गया 1। तो जब तक 1 नहीं आ जाए ना, तब तक हमें इसको मल्टीप्लाई करते रहना है ना। तो इसमें मैंने ये 1 यहाँ लिख दिया। और इसको इसका रूल है कि जो LCM मेथड वाले का रूल था, तो बॉटम टू टॉप जाते हैं, इसमें हमें टॉप टू बॉटम जाना है। तो ये क्या हुआ, 0.001 आ गया ना, इसको 0.0 भी लिख सकते हो आप, 0.001। तो यही तो मैंने किया था जब वहाँ लिखा था इसमें। तो इसका क्या आ गया आंसर, 1110.001। तो यही तो हमने किया था। ठीक है, किसमें बाइनरी का, फिर बाइनरी का तो आपको करना आता ना, टू से करना, इसी तरीके से करना। फिर आप इसका उल्टा स्टेप करोगे ना, हाँ नहीं नहीं डिवाइड नहीं करेंगे ना, हाँ उसी तरीके से डिवाइड करो। जैसे वन आ गया, आपको पता है, वैसे आया नहीं आज तक कोई भी क्वेश्चन इस तरीके का, लेकिन आ जाए तो इसी तरीके से आप इसको उल्टा सोल्व कर देंगे। हाँ, डिवाइड करते हुए चले जाओगे, 1 को करोगे तो 0.50 आ जाएगा, 0.5 को करोगे तो 2.50 आ जाएगा। ठीक है, 0.,  और इसको फर्दर करोगे तो 1.25 आ जाएगा। तो 1.25 को 2 से डिवाइड करोगे तो फिर वो फ्रैक्शन में आएगा। आपको ये ध्यान रखना है कि जब 125 को 2 से डिवाइड करेंगे तो समथिंग पॉइंट में, तो वहाँ तक नहीं जाना, बस जहाँ तक ये ओड नंबर आ जाए वहाँ तक हमें रुक जाना है। ठीक है, तो ये है नेगेटिव का। आप घर से निकाल सकते हो 14.625 का निकालना, और कल मुझे बताना है इसका आंसर क्या है, इसको बाइनरी का कन्वर्ट करना। ठीक है, हाँ ये बाइनरी में ही तो होगा, डेसिमल को बाइनरी में ही तो कन्वर्जन करोगे। तो ठीक है, तो इस तरीके से हमने नंबर सिस्टम आज कंप्लीट कर दिया। ठीक है, आप सभी को समझ में आया, चलो ठीक है।